कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं ड्राइव जोन ऑनलाइन। और गाइस आज सबसे पहले इस रेस को कंप्लीट करते हैं और आज की वीडियो में हम अपनी BMW को पूरा का पूरा मैक्स आउट करने वाले, तो आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले हम इस रेस को खेलते हैं क्योंकि भाई ये नई रेस आई है जिसका नाम है ग्रीन हेल, और पता नहीं इसका नाम ऐसा क्यों रखा है। तो आज भाई देखते हैं क्या ड्रामेबाजी है, ये ऐसा नाम इसका क्यों रखा है, किस बात से है ये ग्रीन हेल, तो जरा देखा जाए। यहाँ पे मैं अपनी BMW से स्टार्ट हो चुका हूँ और इतना कुछ इसमें डरावना तो मेरे को नहीं दिख रहा जो इसको हेल बोला जाए। लेकिन यहाँ पे 15 चेक पॉइंट्स हमको लेने हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। ज़्यादा बड़ी रेस होगी या नहीं कुछ पता नहीं है क्योंकि भाई लंबा ट्रैक, और भाई 1.4 किलोमीटर दूर है अगला चेक पॉइंट। अब भाई शायद मुझे समझ आ रहा है कि इसको ग्रीन हेल क्यों कहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रेस होने वाली है, तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ गाइस, थोड़ा सा मुझे लगता है इसको खेलने में टाइम लगने वाला है क्योंकि भाई नेक्स्ट 30 चेक पॉइंट इतना दूर है। देखते हैं भाई और क्या ही होने वाला है, अभी आगे के चेक पॉइंट से पता चलेगा ना अभी तो। और ये भाई पीछे तो कौन सी गाड़ी आ रही है, ये है इतनी तेज कौन भाई, AMG GT भाई कितना फास्ट चला रहा बंदा, प्रेम नाम का बंदा है भाई, प्रेम से चलाओ यार, थोड़ा थोड़ा प्रेम से चलाओ, इतना फास्ट चलाने की जरूरत है, घर पे आपकी मम्मी वेट कर रही होंगी। नहीं प्रेम से चलाइए गाड़ी को भाई, बंदा क्या खतरनाक चला रहा है AMG GT को, AMG GT को हल्के में नहीं ले रहेगा। और यहाँ पे देखो थर्ड चेक पॉइंट ही हुआ है अभी तक तो भाई, और फोर्थ चेक पॉइंट देखो कितना दूर है जाके। भाई मैं समझ चुका हूँ कि ये ग्रीन हेल क्यों कहा जा रहा है इसको भाई, 1.7 किलोमीटर भाई, इतना लंबा चेक पॉइंट तो मैंने आज तक नहीं देखा भाई, इतना लंबा चेक पॉइंट भाई, भाई बहुत लंबी रेस होने वाली है फिर तो इस हिसाब से, ये पता नहीं कब खत्म होगी कब नहीं। लेकिन यहाँ पे ये AMG GT वाला बंदा तो बहुत ही खतरनाक टक्कर दे रहा है भाई, प्रेम है प्रेम, अबे ये तो सल्लू भाई है हमारे, मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर, सल्लू भाई जिस भी मूवी में आते हैं आपको पता होगा प्रेम नाम ही रखते, तो ये तो सल्लू भाई है भाई, ये तो खतरनाक चलाएंगे ही चलाएंगे, सैलमोन बॉय है ये हमारे। कोई समझाया करो यार इनको, कोई समझाया करो कि भाई घर पे मम्मी वगैरह वेट कर रही होंगी तो थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। लेकिन हाँ यहाँ पे बहुत ही आगे आ चुके हैं हम, 5 चेक पॉइंट्स भाई अभी तक, 5 चेक पॉइंट्स हुए हैं, मैं इतनी बकवास भी कर चुका हूँ, और 1.5 किलोमीटर अगला चेक पॉइंट भाई, मेरे तो देख के ही हालत खराब हो रही है, पता नहीं भाई मैं तो हम नापने वाला हूँ कि ये रेस कितनी लंबी होने वाली है भाई, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं। और ये गेम लैग क्यों कर रहा है यार, गेम लैग की वजह से थोड़ा सा पीछे और हो गया मैं, एक तो वैसे ही बंदा इतना खतरनाक टक्कर दे रहा है, आगे आगे भागा जा रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा पीछे करने के लिए, और ऐसे ऐसे मोड़ भी आ रहे हैं ऊपर से, ऐसे मोड़ों पर कैसे मोड़ूं यार मैं ढंग से, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा भाई इतनी लंबी यार। देखो यार वैसे मैप तो बहुत प्यारा बनाया है, मतलब कुछ भी कहो मैप भी तो भाई 10 out of 10 है, मैप बहुत मुझे पसंद आया, ये मैप मेरा पर्सनल फेवरेट मैप में से एक है। और यहाँ पे हम आगे भी निकल चुके हैं बहुत बढ़िया, इतनी बकवास फेलते फेलते इतना टाइम हो गया। लेकिन हाँ यहाँ पे 6th चेक पॉइंट भाई, मैं समझ चुका हूँ क्या ड्रामेबाजी है ये भाई, बहुत लंबी रेस है, बहुत ज़्यादा ही लंबी रेस है भाई, दो मिनट का चेक पॉइंट तो अभी 3 मिनट हो चुके हैं भाई, रिकॉर्डिंग करते करते 3 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे अभी देखो मैंने सिर्फ 6 चेक पॉइंट्स लिए हैं भाई साहब। और यहाँ पे हम प्रेम भाई को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, मुझे माफ़ करना प्रेम भाई, मुझे लगता है उन्होंने मेरी बात सुन ली है शायद, उनका मम्मी घर पे वेट कर रही है, इस वजह से वो थोड़ा स्लो चलाने लग गया है। तो हाँ भाई क्या ही कर सकते यार, हमको तो रेस जीतनी है ऐसा। और यहाँ पे हमको 7 चेक पॉइंट भी मिल चुका है और 1.4 किलोमीटर अगेन भाई, 1 किलोमीटर से तो दूर दूर जा रहे हैं सारे चेक पॉइंट्स, क्या बोलूँ मैं इतनी देर तक तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैं बोलूँगा क्या, क्या बकवास पेलूँ, कुछ भी बोलना पड़ रहा है मेरे को तो। लेकिन हाँ अभी तो मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, अब तो भाई इनके पापा जी भी मेरे को नहीं पकड़ पाएंगे, टेंशन मत लो, अब तो तुम्हारे भाई की रेस है, पूरी की पूरी रेस तुम्हारे भाई की है। और यहाँ पे पहले रोकते हैं भाई, कितना प्यारा रोका यार मैंने, रुकने भी नहीं दिया थोड़ा सा। लेकिन हाँ यहाँ पे तुम्हारे भाई की BMW देखो भाई, बहुत ही खतरनाक, आज और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, पूरी पूरी मैक्स आउट हो जाएगी, और एक और गाड़ी हो जाएगी हमारे पास खतरनाक वाली जो कि पूरी पूरी 50 लेवल हो चुकी होगी फिर भाई उसके बाद। और देखो भाई कितना तेज चला रहा है यार आने वाला, बस मुझे थोड़ा सा ढंग से चलाना पड़ेगा, एक बार मैं अगर ठोकाना गाइस, मेरी एक गलती पूरी रेस को बिगाड़ सकती है, पूरी मेहनत को बिगाड़ सकती है यार, मैं बोल ये रुक क्यों गई यार, ये कंट्रोल छूट गया गलती से, और पता नहीं यार फोन में क्या दिक्कत है, कंट्रोल काम ही नहीं करते कभी ढंग से, तो मुझे लगता है भाई टेम्पर की कुछ गलती है शायद, टेम्पर चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन क्या ही बोलूँ मैं, यहाँ पे हम दोबारा से एक और चेक पॉइंट को क्रॉस करने वाले, 9 चेक पॉइंट होगा वो, 9 के बाद 10 चेक पॉइंट देखते हैं भाई, 1 किलोमीटर अगेन हमको 1 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। ओके भाई वैसे गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, तो अब फासले भी बहुत कम लग रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, 9 के बाद 10th भी बहुत ईजिली आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यार इतना घुमावदार है ना, तो टर्न मतलब रास्ता बहुत ही मुश्किल से आ पा रहा है, टाइम बस ये मोड्स की वजह से लग रहा है, जितनी मोड़ है ना ये बहुत घुमा घुमा के है ना टर्न्स,
इसी वजह से टाइम लग रहा है इतना ज़्यादा, वरना बहुत ही ईजी हो जाता है। यहाँ पे 10th चेक पॉइंट भी बस 5 चेक पॉइंट और यहाँ पे 5 मिनट कंप्लीट हो चुके भाई 10 चेक पॉइंट्स लेने में। इतनी लंबी रेस भाई आज तक मैंने नहीं खेली भाई, सच बता रहा हूँ इतनी लंबी रेस मैंने नहीं खेली, पहली बार खेलने जा रहा हूँ मैं इतनी लंबी रेस ड्राइव जोन ऑनलाइन में भाई। इतनी लंबी रेस तो भाई मजाक से हट गया यार, एकदम बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि एक बार टकरा गया ना तो पीछे से पूरी मेहनत खराब हो जाएगी एक गाड़ी आगे निकली तो। लेकिन यहाँ पे हम 11th चेक पॉइंट ले चुके हैं भाई, मज़ा भी आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ज़्यादा ही हार्ड पड़ रहा है, मज़ा भी आ रहा है उसको करने में, लेकिन मज़े के साथ ना कुछ ज़्यादा ही लंबी रेस है। लेकिन हाँ, आप लोग अगर फ्री हो ना और आपको अपनी पावरफुल गाड़ियों की स्पीड चेक करनी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन यार इसमें एक और बैकलैश है कि हम 900 लेवल से नीचे की गाड़ी इसमें चला ही नहीं सकते यार, ये क्यों करते हैं यार, हमारी सारी की सारी खतरनाक गाड़ी तो 900 लेवल से ऊपर है, ये चीज़ गलत है, बस ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन बाकी का सब यार मज़ेदार, मैं अपनी क्यूनेस वगैरह बुगाटी वगैरह को इसको रोना मतलब इस पर रोनाने का बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन यार वो 900 लेवल से ऊपर है, उनको थोड़ा सा डी ट्यून मतलब ट्यून वगैरह कम करना पड़ेगा, डी ट्यून कहते हैं उसको जो भी कहते हैं, ट्यून वगैरह मुझे उसकी कम करनी पड़ेगी तब जाके वो 900 लेवल से नीचे होगी। वो भाई इसकी टॉप स्पीड भी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 345 टॉप स्पीड है इसकी 8th गियर पे। तो हाँ, टॉप स्पीड भी इसकी हम चेकआउट कर चुके हैं, लेकिन अभी रुको पूरा मैक्स आउट करेंगे, तो मैक्स आउट के बाद इसकी टॉप स्पीड अलग होगी तो अभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम 14 चेक पॉइंट ले चुके हैं, अब इसके बाद बस लास्ट चेक पॉइंट है, उसको भी लेके ख़त्म करते हैं रेस को। भाई बहुत ज़्यादा ही लंबी रेस हो चुकी है और मैं इतनी देर से बकवास करने लग रहा हूँ, सांस लेने दो मेरे को पहले, वो ज़्यादा ही यार मैं टूट गया बिना बात के, मुझे जल्दी से बताना पड़ेगा, पीछे से गाड़ी आ रही होगी रफ्तार में, वेट 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 बस थोड़ा सा ही भाई। इस गलती से अगर मैं हार जाता ना, अगर मैं इस गलती से हार जाता तो भाई दिमाग की दही हो जाती। लेकिन यहाँ पे हम जीत चुके हैं इस वाली रेस को भाई, इतनी लंबी भाई 6-7 मिनट की रेस भाई, मजाक से हट गया यार, इतनी लंबी रेस तो मैंने आज तक नहीं खेली, 3-4 रेस करता हूँ तब जाके इतनी लंबी बनती है, लेकिन ये तो एक ही रेस इतनी लंबी होगी, पता नहीं मैंने क्या क्या बकवास कर दी होगी इसमें। लेकिन यहाँ पे फाइनली तुम्हारा भाई इस रेस को जीत चुका अपनी BMW से, और आ जाओ जल्दी से अपनी BMW को हम मैक्स आउट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भाई ज़्यादा मिशन वगैरह कंप्लीट नहीं किए हैं मेरी BMW को, अभी मैंने एक भी मिशन नहीं खेला, मैं सुबह से गेम खेला ही नहीं है बिल्कुल भी, ये पहली रेस थी हमारी BMW से जो मैंने यहाँ पे खेली है, जितने भी ये देख सकते हो आप लोग सारे के सारे मिशन अभी तक मैंने कंप्लीट भी नहीं किए। लेकिन यहाँ पे जल्दी से इसको अपग्रेड कर लेते हैं, मैं कार एक्सपीरियंस को अपग्रेड करने जा रहा हूँ, हमारी गाड़ी हो चुकी है फाइनली 50 लेवल, जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, बहुत टाइम के बाद, टाइम तो नहीं खैर, मेरी ये वाली गाड़ी है जो मैंने सबसे जल्दी वैसे मैक्स आउट की है, वरना सारी गाड़ियों में एक एक मंथ लग गया था मुझे, ये वाली गाड़ी मैंने सबसे जल्दी की है, और इसको भी मैंने थोड़ा बहुत ट्यूनिंग इसकी कम की थी ताकि मैं इसको वो लंबी वाली जो ग्रीन है ना उसको खेल पाऊँ, वरना भाई 900 से ऊपर वाली गाड़ी तो उसमें चली नहीं रही थी। लेकिन हाँ, जल्दी से इसको पूरा मैक्स आउट कर लेते हैं जितनी भी आपको चीज़ें मिली है, और मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस बता देना मैंने ढंग से मैक्स आउट तो किया है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना इसके मैक्स आउट में, देख लो आप सब कुछ, और वेट बॉडी वेट खुलाता ना। अबे यार मैं सोच रहा हूँ लास्ट में इंजन खुलेगा, लेकिन लास्ट में तो यार बॉडी वेट हल्का करने के लिए अब वो पहले से ही लगा हुआ है यार, यही तो है ना महंगी गाड़ियों में आधी चीज़ें पहले से ही अनलॉक्ड होती है तो पता नहीं चल पाता। लेकिन यहाँ पे गाड़ी की यार मैक्स आउट होने के बाद मतलब 345 ही टॉप स्पीड है, अब इसकी टॉप स्पीड भी मैं क्या चेक करूँ, हम ऑलरेडी टॉप स्पीड इसकी चेकआउट कर चुके हैं रेस में, ऑलरेडी टॉप स्पीड इसकी दिख गई 345, क्योंकि मैं सोच रहा था लास्ट वाले 50 लेवल पे इंजन वगैरह या फिर टर्बो वगैरह खुलेगा, लेकिन वो तो खुला ही नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें इसकी टॉप स्पीड का पता चल चुका है, 345 इसकी मैक्स आउट स्पीड है जो कि अभी हमने चेक की जस्ट, तो अब इसको टॉप स्पीड चेक करने की तो ज़रूरत है नहीं, तो जल्दी से सब कुछ क्लेम कर लेता हूँ जो भी हमको कुछ मिला है। और यहाँ पे 10,000 कार एक्सपी, कार एक्सपी देख के मेरे को बहुत खुशी हो जाती है, मतलब मन खुश हो जाता है एकदम कार एक्सपी को देख के ना, कार एक्सपी भाई कितनी भी दे दो तुम्हारे भाई को मज़ा आया था। लेकिन यहाँ पे गाइस कैलेंडर में ये जो गाड़ी है ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है भाई, मुझे बताना ये एक्सपायरी डेट कब है, कब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मुझे ये गाड़ी चाहिए भाई, ये गाड़ी जाने वाली है अब पता नहीं, रुको अरे ऊपर लिख तो रही है 5/7/2024, तो अभी तो टाइम है भाई, अभी तो टाइम है मैं ले सकता हूँ इसको। लेकिन हाँ, जैसा कि आप लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारे भाई की इन्वेंट्री देखो भाई, 50 लेवल भाई सारी गाड़ी 50 लेवल, बस ये जो GT है वो AMG GT है ना ये 30 लेवल, इसको भी मैक्स आउट कर लेंगे, और बाकी की गाड़ियाँ भी भाई मैंने ऐसी रख रखी हैं भंगार की तरह, इनको भी भाई मैं गाड़ियाँ रख लेता हूँ पर लेवल अप करना भूल जाता हूँ, मतलब जो हाई लेवल की गाड़ी है ना उन्हीं को लेवल अप करने का मन करता। लेकिन गाइस हमारे पूरे कलेक्शन में बस इस गाड़ी की और कमी है भाई, ये गाड़ी और आ जाए ना भाई मज़ा आ जाएगा। और गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये ज़रूर से बता देना कि इस गाड़ी की एक्सपायरी डेट कब है, मतलब ये कब जाने वाली है, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास अभी भी इनफ DZO नहीं हो पाए, मुझे जल्दी से जल्दी DZO भी डालने पड़ेंगे, तो हाँ मुझे प्लीज़ बता देना ताकि मैं इसको निकाल पाऊँ, वरना ऐसा ना हो जाए कि किसी दिन ये भी मेरे हाथ से निकल जाए यार, बहुत दुख हो जाएगा मुझे, सच बता रहा हूँ।
जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना कि ये कब जाने वाली है गाड़ी, ताकि मैं उसको निकाल लूँ टाइम से, वरना गड़बड़ हो सकती है कुछ भी। लेकिन हाँ गाइस, अभी देखो हमने ग्रीन हेल तो खेला भाई, बहुत खतरनाक ग्रीन हेल, मज़ा ही आ गया सच में इससे रेस करने में। और भाई ये बहुत ही खतरनाक है भाई, ये अलग ही टाइप की रेस है, इस पे तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन हाँ, अभी जल्दी से अपनी क्यूनिसेक निकालता हूँ मैं सबसे पहले भाई, एक रेस तो करते हैं अब यार क्यूनिसेक, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका है हमें क्यूनिसेक से रेस किए हुए, तो भाई मेरा बहुत मन कर रहा है उसको चलाने का। और अब टॉप स्पीड वगैरह तो हमें चेकआउट करनी नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा टॉप स्पीड वगैरह चेकआउट क्या ही करेंगे, क्योंकि हमने रेस खेली थी ना उसमें, ये जो ग्रीन हेल थी उसी में हमको उसकी टॉप स्पीड पता चल चुकी है, और लास्ट वाले 50 लेवल पर कोई इंजन वगैरह खुला नहीं था, उसकी टॉप स्पीड इतनी हो गई मैक्स आउट। लेकिन हाँ, आ जाओ जल्दी से अपनी क्यूनिसेक से रेस करते हैं भाई, बहुत दिन हो गए इसको चलाए हुए, मतलब मेरे से अब कंट्रोल भी नहीं होगी मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, देखते हैं जल्दी से इसको चला के, बहुत मन कर रहा है इसको चलाने का, बहुत दिनों बाद ही देखी है मैंने तो हाँ आ जाओ। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारी रेस स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्यूनिसेक से, और मेरे अगल बगल में सुप्रा AMG GT वगैरह गाड़ियाँ अच्छी अच्छी हैं, लेकिन मुझे ढंग से निकालना पड़ेगा पहले इसको। और भाई ये लैग यार, ये साउंड लैग इतना मेरा दिमाग खराब करता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आती है, मुझे जल्दी से आगे निकलना पड़ेगा यहाँ से, वरना ये साउंड लैग दिमाग खराब कर देगा। वेट, अरे यार जब यार गाड़ी ड्रिफ्ट नहीं मारती ना अच्छे से, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मतलब दिमाग की दही हो जाती है बिल्कुल। लेकिन हाँ, यहाँ पे जल्दी से मुझे आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये नल्ले मेरे जस्ट पिछवाड़े से चिपक के चल रहे हैं, ये क्या ही बोलूँ। देखा ये AMG GT वाले भाई टकराते हो ना, मेरे को इतना खुन्नस आती ना इन पे भाई, सच में इतनी खुन्नस आती ना, मैं क्या ही बोलूँ, अभी छोड़ो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। और यहाँ पे भाई कितनी प्यारी ड्रिफ्ट मारी तुम्हारे भाई ने, भाई लाइक हो दो इस ड्रिफ्ट के लिए भाई, बहुत दिनों के बाद क्यूनिसेक चला रहा हूँ, और भाई मज़ा ही आता है क्यूनिसेक से अलग ही। और भाई ये पीछे कौन सी गाड़ी चल रही है, ये भाई पीछा ही नहीं छोड़ रही है, देखो भाई कितना फास्ट चला रहा हूँ मैं फिर भी, भाई क्या खतरनाक ही गाड़ी चला रहे हैं बंदे, मजाक से यार मुझे तो ढंग से चलानी पड़ेगी, वरना एक गलती मेरे बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस मुझे करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्यूनिसेक है तो टेंशन मत लो, बहुत ही फास्ट है। कौन सी गाड़ी होगी जो इसको पीछे छोड़ देगी अभी, तो रुको जरा सबर करो, मेरी बस एक गलती ना हो जाए मुझसे यार, मैं गलती कर सकता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है। वेट यार, होगी गलती मेरे साथ अभी, ये भाई यहाँ पे तो मैकलेरन आ चुकी है यार, वेट अरे यार इसमें तो भाई मैं तो एकदम क्या बोलूँ यार, मेरे तो पोपट हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैकलेरन भी है इस रेस में यार, मैं बेफालतू में ड्रिफ्ट मार रहा था, अगर मुझे पता होता मैकलेरन तो मैं ड्रिफ्ट ना मारता, थोड़ा ढंग से केयरफुली खेलता। अरे यार दिमाग खराब हो गया, लेकिन कोई नहीं, आ जाओ एक और रेस खेलते हैं, दिमाग की दही होगी बिल्कुल, लास्ट में आके उसने हरा दिया, आ जाओ एक और रेस चालू करते हैं गाइस। ओके सो गलती से पिछली रेस हम हार गए, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने एक और रेस स्टार्ट कर दिया, और इस वाली को मैं बिल्कुल नहीं हारने वाला यार, फिर से ये साउंड ग्लिच यार, आधा दिमाग तो ये साउंड ग्लिच खा जाता है मेरा, ऐसे कानों में किचड़ पिचड़ होती है ना, मेरा माथा खराब हो जाता सच में। लेकिन यहाँ पे ये बंदा बहुत ही खतरनाक चला रहा है, इससे मुझे आगे निकलना पड़ेगा। अजय नामक बंदा है, अजय देवगन गुटखा खा के चला रहा होगा, बोलो जुबा केसरी। लेकिन यहाँ पे निकलने तो मुझे यार, देखो एक तो घुट्टुकार मेरे को भी ठोक दिया इस अजय देवगन ने, क्या बोलूँ यार, गुटखा खा मतलब इसका गुटखा मिलाने में एकदम ध्यान होगा, इस वजह से शायद ठोक गया ये, कोई बात नहीं, अभी इसका ध्यान पूरा जुबा केसरी पे है। तो लेकिन हम यहाँ पे आगे निकल चुके हैं, टेंशन मत लो, अब तो तुम्हारे भाई की रेस है, अब तो ईजिली जीत जाएंगे भाई, इसमें बस कोई क्या कहते हैं उसको मैकलेरन वगैरह ना भाई, मैकलेरन यार कितना खतरनाक भागी थी देखा, अबे रुक क्यों गई, अबे यार ये तो कोई भाई AMG GT वाला, इसको तो नहीं जीतने दूंगा मैं, ये थोड़ी है मैकलेरन भाई बहुत खतरनाक भागी थी यार, मेरा तो और दिल आ गया उसको खरीदने पर, सच बता रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो उसकी लास्ट डेट कब है प्लीज़, क्योंकि बाद में गड़बड़ हो सकती है, मुझे पता ना हो तो क्या पता कल ही निकल जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पे गाइस हम इस रेस को जीत चुके हैं, बोलते भाई यहाँ पे भाई वो तो मैं गलती से हार गया था, ठीक है इस वाली रेस को हम जीत चुके हैं। लेकिन हाँ गाइस, मुझे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मतलब आपको कैसे नहीं चाहिए तो जरूर करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। आज हमने अपनी BMW मतलब एक और गाड़ी को मैक्स आउट कर लिया है, और आज इसी के साथ इसको सर्वे अपने वहाँ पे जाकर जॉइन कर लिया, अभी घर में जाने के टाइम हो चुके जाते हैं, तो इस बंदा कहूँगा अभी से बेबे को शो फैलाते रहिए, गुड बाय।